दोस्तों, मैं साहिल बिश्नोई। मैं सुनील बिश्नोई। आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ट्रेवल मिरर पे। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा है जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेके जा रहे हैं जिसका संबंध है हड़प्पा संस्कृति से। जब भारत का पुरातत्व विभाग यहाँ पे खुदाई की तो उनको कुछ अवशेष मिले। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यात्रा। तो दोस्तों, अब हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। आप भी हमारे साथ बने रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों, हम जिस गांव की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस गांव का नाम है बीडाणा। बीडाणा गांव है जो दोस्तों आता है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसका काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है, हड़प्पा कालीन संस्कृति के टाइम का इतिहास रहा है। तो आप भी हमारे साथ यात्रा का आनंद लीजिए और हमारे चैनल ट्रेवल मिरर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और यात्रा का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बीडाणा गांव में। सबसे पहले हम पहुंचे हैं एक गढ़ में। तो आप हमारे पीछे देख सकते हो, ये जो गढ़ है यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसके बाद हम चलेंगे जहाँ पे जो खुदाई हुई थी पुरातत्व विभाग के द्वारा, वहाँ पे। तो चलिए अब दोस्तों, हम इसके अंदर चलते हैं और आपको इसका इतिहास बताते हैं कब बना था। दोस्तों, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, जो अब थोड़ी जर्जर हालत में है। बताया जाता है कि ये लगभग 500 साल पुराना है। आप देख सकते हो कितना मजबूत है। अभी तो ये थोड़ा इसमें दीवारों में देख सकते हो आप दरारें आ चुकी है। अभी ये काफ़ी जर्जर हालत में है, पर है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। ये बीडाणा गांव में है, गढ़ है जो बताया जाता है। अभी इसके अंदर हम जा रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। इसमें ये लगभग बताया जाता है कि 500 साल पहले पुराना है ये गढ़ बनाया हुआ है, जो राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। और राजपूत यहाँ से चले गए हैं अब, और वो इस जगह को ग्राम पंचायत को देके चले गए हैं। अब लगता है कि ग्राम पंचायत देख रेख कम ही कर रही है, इसलिए काफ़ी जर्जर हालत में है। तो यहाँ पे ये दोस्तों एक माता जी का मंदिर है। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें बताया जा रहा है कि जो ये दो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हो, ये जब से ये बना है तब की है ये मूर्तियाँ। ना तो इनमें कभी कलर किया गया है, ना ही इसकी दोबारा की गई। जो है दोस्तों 500 साल पुराना है, लगभग 500 साल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब। तो आप देख सकते हो जो इसके छत का कलर है ना, वो भी उसी टाइम का है,
फिर से इस पे कोई कलर वगैरह कुछ नहीं किया गया है। यहाँ के ग्रामवासी बता रहे हैं हमको। तो जो यहाँ के राजपूत थे तो दोस्तों वो चले गए हैं अब राजस्थान में, और ये माता रानी का मंदिर है। मंदिर भी वाह क्या बात है दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल है मंदिर है। चलो हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं इसका। ओके वाओ दोस्तों, होली होल, पता नहीं कितने सारे कमरे हैं इसमें। हम आपको घूम घूम के पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे और ये तो अंदर से बंद है, देख लीजिए आप पूरा। तो दोस्तों तो चलिए अब हम इसकी छत पे चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ओह यहाँ पे अंधेरा है काफी। दोस्तों बाहर गर्मी है, इसके अंदर घुसते ही हमें ऐसे फील हो रहा है कि जैसे हम किसी एसी वाले रूम में घुसे हैं। ये देखिए दोस्तों पूरे डिजाइन से बनाया हुआ है। आप सोच सकते हो कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो 500 साल पहले ही उन्होंने इतनी सोच समझ के अपने घर वगैरह बनाए थे, तो आप देख सकते हो वाह क्या बात है दोस्तों। अब हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं इसका। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं इसकी छत पे, हम आपको पीछे पूरा व्यू दिखाते हैं। वाह दोस्तों बहुत गजब की चीज है ये, देखिए अभी इस जगह को मंदिर है, मंदिर बना दिया गया है। और ये जगह जो दोस्तों है गांव भेड़ाना के ग्राम पंचायत के अंडर आती है, आप देख सकते हो पूरा व्यू, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक और सीढ़ी है, हम वहीं भी चलते हैं। तो चलिए हम आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, चलिए चलते हैं आप भी हमारे साथ। चलिए है थोड़ी खस्ता हालत में सीढ़ी, आप देख सकते हो दरार आई हुई है, पर फिर भी हम चलेंगे, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे आराम से आराम से। देख सकते हो दोस्तों आप पीछे का व्यू, बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों टॉप फ्लोर पे, आप देख सकते हो पूरे गांव का व्यू। हमारे पीछे जो गांव है बीडाणा गांव, पूरा व्यू देख सकते हो आप। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारे जो बुजुर्ग है कितनी सोच समझ के जो हमारे घर बनाते थे, कितने डिजाइन से बनाते थे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये गढ़? तो अब हम चलते हैं जहाँ पे खुदाई हुई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो
दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं हड़प्पाकालीन जो संस्कृति की जो जहां पे खुदाई हुई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए वीडियो को पूरा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो भिंडाणा गांव में आर्कियोलॉजी साइट है वहां पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अभी तो यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ रेत का टीला है, पर यहां पे जो खुदाई हुई थी सन 2003, 4 और 5 में, तो उसमें बहुत सारे अवशेष मिले थे, हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों हमारी रिसर्च से हमको ये पता चला है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके अंदर खोजा गया सबसे प्राचीन नगर भिंडाणा गांव ही था दोस्तों। और जो अवशेष मिले थे दोस्तों जो सन 2003 में इसकी खुदाई के दौरान जो इसमें अवशेष मिले थे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल की जो बर्तन पर उकेरी गई थी वो यहीं से प्राप्त हुई। और भी बहुत सारे अवशेष मिले थे जैसे बर्तन, ईंटें, हड्डियां जो उस समय की थी। दोस्तों हमारी रिसर्च से हमको ये भी पता चला है कि नवपाषाण युग में भिंडाणा एक छोटा सा गांव होता था और ताम्र पाषाण युग के आते आते यहाँ नगर की व्यवस्था हो गई थी और कांस्य युग के आते आते यहाँ राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, सुमेर आदि जो इनके समकालीन महानगर थे उन्हीं महानगरों के समान ये एक समृद्ध महानगर था। तो दोस्तों ये जो भिंडाणा गांव में जो आर्कियोलॉजी साइट है वो जो प्राचीन में था वो हमारी जो सरस्वती नदी थी उसके पास बसा ये नगर था। जो हमें पता है कि जो सरस्वती नदी है जो अब लुप्त हो चुकी है, कोई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जो हमारी सरस्वती नदी है वो अभी भी ज़मीन के अंदर बहती है। तो आप दोस्तों इसका पूरा व्यू देख सकते हो, जो अभी रेत का टीला ही है, पर ये रेत का टीला बहुत प्राचीन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना प्राचीन है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो इसकी खुदाई हुई थी, प्राचीन नाम इसका बताया जा रहा है कि बुडाणा था, अब इसका नाम भिंडाणा है, जो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पे जो खुदाई हुई थी उसका जो पुरातत्व विभाग आया था यहाँ पे, तो उन्होंने जहाँ तक खुदाई की उसके बाद उन्होंने पॉलीथीन लगाया और उसको वापस कवर कर दिया ताकि आगे कभी खुदाई करे तो यहीं से वहीं से स्टार्ट हो सके। तो आप देख सकते हो पूरा व्यू, ये बताया जा रहा है टोटल 21 एकड़ में खुदाई हुई थी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा भिंडाणा गांव? हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए,
और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/29travelmirror। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है sahil.bishnoi108, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है sunil.bishnoi108। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।